वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक और उसके अलावा वेबसाइट को हमसे प्रमोट करवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना चाहते हैं, वो हमारे नीचे दिए गए मार्केटिंग डायरेक्टर के जो नंबर हैं इन पर कॉल करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, मेरी तरफ से अमन का पैगाम दुनिया को। नाम आप सब मेरा जानते ही हैं, मिस्टर बुलेट, और मैं पूरे पाकिस्तान में जाना जाता हूं अपने बिज़नेस रिव्यूज़ और आइडियाज़ की वजह से। आज एक बड़ी ही दबंग किस्म की मशीन के सामने मैं यहां पर खड़ा हूं, जो कि मशीन एक ही है लेकिन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एट द सेम टाइम आपको ये बनाने के मतलब बताती है। मैं भी आपको मिलवाता हूँ इस मशीन के कारीगर से, भी बताते हैं कि इस एक मशीन को ख़रीदने के बाद आप कितनी चीज़ें इस पर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा इस मशीन पर किस किस टाइप की चीज़ें बन सकती हैं? इसमें चीज़ें ये हैं कि आपकी लेस भी बना सकते हैं, इलास्टिक है, बेल्ट हैं, और अपना चारपाई के नावस वगैरह, वाल जो होता है वो भी बन सकता है इसके अंदर, और काफ़ी चीज़ें और भी बेहतर बन सकती है इसके अंदर। इसके लिए थोड़ा सा आइडिया ये है कि जिसको जो चीज़ समझ में आ जाए तो वो चीज़ इस पर बना सकता है। जहाँ तक हमें समझ में आ रही है वहाँ तक हमने यहाँ तक कोशिश कर चुके हैं, जो आपको मैंने आज बता चुका हूँ कि ये चीज़ें बना सकती है अभी इस वक्त। इसके अलावा चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सारी हैं जो इस मशीनों पे बना रही है, उसके नाम मुझे जहन में नहीं है, जिस तरह जहन में आएंगे तो मैं मुखातिब कर दूंगा। अच्छा, यानी बेल्ट वगैरह जो आप बनाते हैं, लेकिन ये वाला बेल्ट नहीं, वो कपड़े टाइप का थोड़ा सा बेल्ट होता है, उस टाइप का मजबूत टाइप का बेल्ट होता है, वो भी इसी मशीन के ऊपर बनता है बेल्ट भी। अगर चारपाई का वान, आपने वान अक्सर देखा होगा, एक तो रस्सी टाइप का होता है और एक चिपटा इस तरह का होता है, ठीक है। ये इस वक्त लेस यहाँ पे भरी, बिल्कुल इसी लेस टाइप का चपटा सा होता है एक वान वगैरह, जो कि नॉर्मली रंगदार किस्म का ना, और चमकने वाला एक वान टाइप का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, वो भी इसी पर ही बनता है, इसी के ऊपर ही। देखें, चारपाई का वान बनाना है तब भी यही मशीन, लेस आपने बनानी है तब भी यही मशीन, बेल्ट वगैरह कपड़े टाइप की बनानी तब भी यही मशीन। हाँ, आठ पट्टियाँ निकालती है, एक साथ आठ आठ पट्टियाँ यहाँ पर निकालती है। इसकी प्रोडक्शन वगैरह का क्या सिस्टम है, यानी कि पर आवर कितने को मीटर निकाल देती है अंदाजा? ये तो स्पीड के ऊपर होता है कितने हावर्स होती है, मेरे हिसाब से 1500 मीटर तक निकाल देती है। 1500 मीटर तक निकाल देती है, ज़बरदस्त। यानी कि इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी तेज़ है, और अभी ये थोड़ी देर तक चल रही थी, आपको जो है हमारे जो है कैमरामैन इससे पहले ये क्योंकि चल रही थी मशीन, आपको सारे का सारा आइडिया यहाँ पे दे देंगे कि इसका चलने का प्रोसेस क्या है। अच्छा, इसकी कोई ये बताइए, चाइना की है या पाकिस्तान? ये चाइना, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना है, सही जी। हम अगर डीलर्स हैं। हाँ, आप डील करते हैं? जी नहीं, मेरे बॉस हैं, वो डील्स करते हैं, उनका नाम है मतीन तनवी, DSHA होते हैं, उनकी अपने प्रोडक्ट है इनकी, ठीक है, जो चाइना से वो बायर करते हैं। ये कराची से हैं जी, और कराची वाले फिर आपको पता ही है, अगर कराची में ही सारी तकरीबन मशीनरी आती है पूरी दुनिया से, कुछ भी आना हो पहले उस स्पॉट पर आती है, उसके बाद लाहौर में, तो अगर पूरे पाकिस्तान से कोई चाहता है इस मशीनरी को लेना तो फिर भी आप लोग सप्लाई कर देते? जी जी, कर देते। जो मशीन है, क्योंकि अभी भी ये मशीन सोल्ड हो चुकी है। अच्छा, अभी अभी सोल्ड हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है, सोल्ड। और बाकी कुछ मशीनें वेयर हाउस में, जो हमें तकरीबन 4 से 5 मशीन अभी निकलनी है जो लाहौर पहुंचनी है, वो तकरीबन 1-3 या 4 दिन में निकल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई बंदा ये मशीन ख़रीद लेता है तो अंदाजन कोई कारीगर जब उसने रखना होता है तो कितने तक कारीगर आ जाता है? ये कारीगर से ये है कि हम कोशिश करेंगे कि कारीगर कम से कम मिल जाए इसको, और अच्छी सहूलत के हिसाब से इसको कारीगर प्रोवाइड कर लें, जो सैलरी के मुताबिक आजकल के हालात ऐसे हैं कि कुछ पे नहीं कर सकते, वैसे इसके कारीगर 20-25 हज़ार तक मिल जाने चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा एक चीज़ बना तो ली, जैसे ये लेस बना ली, जैसे बेल्ट वगैरह बना ली, और इसके अलावा हमने डाली है कि एक डोरी बीच में डाल दी और उसमें नई चीज़ डाल दी है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर आप दो डोरी डाल लो, एक डोरी डाल लो, आपको नई चीज़। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस मशीन के साथ आप जिस तरह का मर्जी खेल खेल लें, ये यूनिवर्सल टाइप की मशीन है, और अच्छे तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इससे बना सकते हैं और मार्केट के अंदर लॉन्च भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रा बताइएगा, अगर एक बंदा इससे प्रोडक्ट वगैरह बना लेता है तो आप बताएँ इसको सेल करने की मंडी शंडी कहाँ पर है, कोई अंदाज़ा बता सकते हैं कराची में या लाहौर? ये कराची में भी काफ़ी हैं, कराची में भी हैं, कराची में बोल्डन मार्केट पे भी हैं, ठीक है, लाहौर का तो मुझे पता नहीं, लाहौर में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। शालमी मार्केट है, ठीक है, कराची का तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आप शालमीन मार्केट के ना यहाँ का मुझे कुछ आएगा। अच्छा, कराची में बोल्टन मार्केट है जहाँ पर ये लेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं। हाँ, चीज़ें मतलब ये अपना UK, कैनेडा और अमेरिका वगैरह, क्योंकि इस चीज़ का काफ़ी डिमांड है, काम है, क्योंकि उनके पास ऐसी मशीनें नहीं होती पाकिस्तान से, वो जाए पर एक तैयार माल मिल जाता है वो उनका बेहतर रहता है। यानी एक मशीन और इतने सारे काम कर रही है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अक्सर लेसिस के ऊपर ना कोई प्रिंट वगैरह होता है, नाम वगैरह लिखा होता है, इस तरह की चीज़, ये मशीन क्या वो काम भी करती है? नहीं, ये मशीन में इसमें एक जकार्ट नाम की मशीन आती है, वो पीछे आप देखेंगे ना पैनाफ्लेक्स पर लगी हुई है, इसका मोनोगाम लगा हुआ है, इसके ऊपर कंप्यूटराइज होती है, इसके अंदर कंप्यूटराइज होने के बाद इसके अंदर आप कोई अपना नाम डालें, कोई कंपनीज का नाम डालें, जिस तरह का
भी आप ब्रांड डालेंगे वो वैसी नाम निकालेंगे, जो वैसी का वैसे प्रिंट वैसे निकाल लेंगे। अच्छा, ये नाजरीन, ये वो प्रिंट होता है जो ऊपर प्रिंट नहीं होता बल्कि धागे के जरिए, हाँ बल्कि धागे के जरिए जो आपको सैंपल्स के तौर पर अभी हमारे जो एडिटर हैं कहीं ना कहीं वो वीडियो लगा देंगे, वो ये धागे के अंदर ही वैसा डिज़ाइन बनता है, यानी कि ये ऊपर प्रिंट नहीं होता लेकिन धागा के साथ ही ऐसा डिज़ाइन धागे से बनी हुई आती है। हाँ, धागे से बनी हुई आती है और ये पक्का प्रिंट होता है। मेरा पक्का प्रिंट होता है बिल्कुल, जैसे कि आपने रेड कलर का धागा लगाया तो रेड से प्रिंट आएगा, ब्लू से लगाए तो ब्लू से आएगा। मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, बोले तो आपको दिखा देता हूँ। सही हो गया। अच्छा, वो सैंपल वगैरह भी हम देख लेते हैं। अब ज़रा इसकी कीमत की तरफ आ जाते हैं। सारी चीज़ें होगी, कारीगर, मंडी, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। एक ही मशीन की इतनी अफादियत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एट द सेम टाइम निकाल सकती हैं बेल्ट्स, एट द सेम टाइम 8 की 8। वो ज़बरदस्त हो गया फिर, और क्या चाहिए कि 8 अगर कोने टाइप अगर पीछे लगती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये 8 की 8। किरीले होती हैं, किरीले का एक साइज़ होता है, उसके अंदर हम धागे के रोल बना बीम टाइप का बना देते हैं, और बीम टाइप से आप धागे के एक लेवल पे लेके आएंगे तो सब एक साथ ही बनती रहेंगी, सारी एक साथ ही बनती रहेंगी। सही हो गया। अच्छा, अब इसकी आते हैं कीमत की तरफ। अंदाजन जो रफ आइडिया है, आपकी कंपनी किस कीमत में इसको दे रही है? हमारी कंपनी अभी इस वक्त ना 6.5 में दे रही है, 6.5 में दे रही है। मतलब इसकी जो असल जो प्राइस है 6.5 के अंदर ही है, इससे ज़्यादा अब ओपन है। ये है भी न्यू मशीन, ज़बरदस्त है। अगर 6.5 के अंदर भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए और घर बैठे भी, मेरे ख्याल को इतनी इसमें कोई स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल सी एक स्पेस है और इसी के अंदर यूटिलाइज करके अगर एक कमरे जितनी स्पेस ही बड़ी आप घर में अलग से सेपरेट करके इसको लगा लें, एक कमरे के हिसाब से भी छोटी बड़ी, एक कमरे के हिसाब से भी कम जगह कह रही है, कम बल्कि उससे भी कम जगह घेर रही है। अगर हो सकता है आपने कुछ स्टफ वगैरह सामान साइड पे को रखना हो, एक कमरा इसके लिए भी मुख्तस कर दिया जाए तो घर के अंदर से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है 2-3 लोगों के साथ। बाकी ये है कि कारीगर की अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह लेनी हो तो उसका क्या सीन है? कोई मिल सकता कारीगर की अगर ट्रेनिंग, बंदा ट्रेन हो जाता, ये इसकी ट्रेनिंग है तो कारीगर को पड़े वैसे मैं कहता 15 दिन में ट्रेन हो जाना चाहिए, हो जाता है इसके अंदर। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, इसके अंदर एक चेन होती है, चेन के अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो इसकी डिज़ाइन ही चेंज होती है। सही है, डिज़ाइन वो समझ जाएगा, जितना अच्छा बेहतर समझ जाएगा तो उतनी जल्दी पिक कर लेगा इसको। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपको कीमत वगैरह बता दी, मंडी वगैरह बता दी, और उसके अलावा इसका किया गया काम, यानी कि जैसे ये काम मशीन करती है सारी की सारी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर दी। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, हर चीज़ नीचे कहीं ना कहीं हमारे एडिटर साहब लगा देंगे, तो आप डायरेक्ट इस कंपनी से रब्ता करके एक ही मशीन जो कि 10 से भी कहीं ज़्यादा चीज़ों का काम कर रही है, मेरा ख्याल 10 से भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो कई इन्होंने चीज़ें अभी बताई नहीं है, हाँ 5 से 6 तकरीबन उन्होंने गिनाई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें से बन सकती है। नई एडवांस में जो चीज़ें आएंगी वो बनाने से भी। सही। और अगर आपने कोई हेल्प वगैरह लेनी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, अगर आपको कोई आइडिया वगैरह नहीं पता चलता कि इसके ऊपर एक के अलावा किस तरीके से दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, तो उस हवाले से भी कंपनी आपको गाइड कर सकती है। ऐसी है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, हमारा चैनल जो कि आपको पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, हमारे चैनल के लिए कोई रिमार्क्स आपको हमारे चैनल पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बेहतरीन चैनल था इन्होंने। अच्छी, में इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जी जी।
हैं जी इंशाल्लाह स्टिल देन टेक केयर, नई जगह नए लोग नई याद नई बात के साथ वंस अगेन फिर किसी और बिजनेसमैन या बिजनेस रिव्यू के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।